रामायण में एक प्रसंग आता है काग मुसुंडी जी का। काग मुसुंडी का मतलब होता कौवा, और कौवा कैसी वाणी बोलता है, कर्कश बोलता कि नहीं, बोला हाँ जी या ना जी। तुम लोग बोलते क्यों नहीं, ऐसे क्यों बैठे जैसे पिट गए हो? क्या किसी ने पीट दिया? क्या तुम्हारी संपत्ति छुड़ा ली? बोलो, कौवा कैसी वाणी बोलता है। तुम ऐसा भी कह सकते, गुरुजी तुम्हारे जैसी, ऐसा भी बोल सकते आदमी है, आदमी तो बहुत विचित्री होते। अच्छा ठीक है, कोयल कैसी बोलती है? कुकू नहीं पूछा हमने, जरा खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जा, कौन है, खड़ा हो जा, खड़ा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? कोयल कैसी बोलती है? जरा तू भी खड़ा हो, खड़ा हो। तो कुकू कहे बोल रहा बेटा, कहते हैं कोयल है। अच्छा बता, कोयल कैसी बोलती है? कहां के हो? हरियाणा के? तो ठीक, ऐसे लोग यहीं पाए जाते बेटा। क्या नाम है राजा तुम्हारा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ राजा। क्या नाम है तुम्हारा? है? अच्छा बताओ बेटा, डायनासोर कैसे बोलता है? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, कोयल कैसे बोलती? और कौवा? ठटरी के बरे, एक ही भाषा दोनों में लगा रहा है। का ये वोटिंग मशीन है कि तुम दो दबा दो इकट्ठे है? बजरंग नाम है जी, बजरंग, बजरंग नाम। बजरंग, तुम्हारा नाम बजरंग? हाँ जी। काम तुम उल्टे कर रहे बेटा, नाम ही पर तुम्हारा बजरंग है, तुम्हारा नाम अपना वैसे भदरंग रखना चाहिए। हमने पूछा कोयल कैसी बोलती, वो कहता कुकू कू। गजब के हो हरियाणा वाले, वो तो बड़ी कृपा है। हमने ये नहीं पूछा कुत्ता कैसा बोलता है। पर बहुत अच्छे, कौन से गांव से हो प्यारे? अहलाबाद। अहलाबाद हैदराबाद? अहलाबाद, अहलाबाद, अहलाबाद। अच्छा जो भी है समझ जा। नाना जी समझाओ अच्छे से, 40 किलोमीटर दूर है, सिरसा जिला लगता है अहलाबाद। अच्छा, राजस्थान बॉर्डर पे। ठीक है भैया, हम पे बड़ी कृपा की जो तुम आए कथा में। कोयल बोलती है मिठी, अगर मैं बोलता मिठी तो मेरा कोई ध्यान नहीं देता है। मैं तो तुम बेटा नंगे हो के आ जाते, सब तुम पे ही ध्यान देते। अगर ध्यान ही करवा लाता तो नांगा बाबा बन के आ जाते, सब तुमको ही पूछते कहां से पधारे महाराज, विराजवासन ले लो। बहुत अच्छे, ताली बजाओ, हम तो मजाक कर रहे हैं, हमारे स्वभाव में। अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, नाम बजरंग है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, कथा सुनी तुमने। अच्छा माइक ले लो, माइक ले लो, ए माइक दे, खड़ो हो, खड़ो। अब बता कोयल कैसे बोलती है? मीठी बोलती है। बोल के बता। चलो भैया बहुत अच्छा है। मैं जब आया था तो मैंने यही सोचा था मेरे को भीड़ नहीं बनना, भीड़ का कारण बनना है। आपकी दृष्टि मेरे ऊपर गई, आपने खड़ा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब तुम पहले से ही प्लांटेड आए, कहा है कि हमको फेमस होना है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने बजरंग बली से बोला था मेरे को खड़ा करके बात करे मेरे से। आज मैं मान गया सच में बजरंग बली की मेरे पे हमेशा कृपा रही है और आज तक कृपा है। वीर बजरंग बली की जय। इसी चक्कर में तो हमने उठवाया, ये आशीर्वाद है, कोई ये साधारण बात नहीं है, ये बजरंग बली का आशीर्वाद है। मेरे पे हमेशा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बड़ा वीर बजरंग बली की। अब बैठ जा, नहीं तो मैं सबसे पीछे बैठा था, आपने भजन चलाया कूद कूद के बंदर के जैसे आगे आया, मेरे को किसी ने नहीं रोका, ये कृपा है बजरंग बली की। जय हो तुम्हारी, बड़ी कृपा है। हमने टाइम पे भजन बंद कर दो, नहीं तो मंच पे आ जाते तुम। बिल्कुल।
क्या ठिकाना, जब कूद कूद के आगे आ जाकर मंच पे आ जाते हैं, आपस में जाते बड़ी कृपा है। हरियाणा वाले बहुत गजब के होते हैं, अब हमें समझ में आ गया हरियाणा के लोग होते ही महान है। हरियाणा का एक आदमी हमें मिला, हमने कहा क्यों तुमने अपने मामा को चप्पल क्यों मारी? उसने अपने मामा को चप्पल, हमने कहा क्यों तुमने अपने मामा को चप्पल क्यों मारी? बोले नू क्यों ना मारू, कृष्ण ने तो अपने मामा को ही मार दिया था। बोले कृष्ण ने तो मामा को ही मार दिया। हमका तुम्हारा क्या प्लान है? बोले उससे थोड़ा एक नंबर नीचे। इसलिए हम समझ गए हरियाणा वाले माँ बहुत अच्छे हैं। मेरा एक छोटा सा प्लान और था। ए रुक जा, कथा कर लेंगे, नहीं तो आ जाते हैं प्यास पीठ पे बैठ जा न कटा। अब तुम प्लान ही प्लान देते रहे, अभी एक प्लान सक्सेसफुल होगा और बाकी इंतजार कर, कल की लाने कुछ परसों की लाने, थोड़ा और भक्ति करिए ठीक है। आओ बैठ जा बैठ जा। अब मत बोलना कोयल कैसे बोलती है, अब हम समझ गए कैसे बोलती है, ऐसी बोलती है जैसे तू बोलता है। श्री राम जय राम। अच्छा हनुमान जी बंदर हैं फिर भी सुंदर हैं, कैसे हैं बोलो। अच्छा कोयल कैसे बोलती, मीठी। अरे रुको तो हमारी कथा का रस ना बर्बाद करो, अक्कू कु दोहरी बोलने की जरूरत है कुछ चीजें। अच्छा कैसी बोलती है, मीठी बोल दो। कैसी बोलती है, और कौवा कैसे बोलता, कर्कश। लेकिन कौवा जो कर्कश बोलता है, लेकिन रामायण का कौवा मीठा बोलता है। इसमें काकभुषुण्डी जी की कथा आई है, वो मीठी कथा सुनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि तुम कैसे हो, कहां रहते, कौन सी जाति के हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम राम के भक्त हो तो सबरी को भी महान बना दिया जाता है।